इजी वे में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आज हम बात करेंगे एक ऐसे कोर्स के बारे में जो शायद आप आईटीआई स्टूडेंट को नहीं पता हो, या हो सकता है पता भी हो लेकिन पूरे अच्छे तरह से नहीं जान रहे होंगे। इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो के द्वारा आप लोग को ये बता दूं कि ये जो आप लोग आईटीआई किए होंगे उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है ये इन्फॉर्मेशन। तो आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे, ध्यान से देखेंगे ताकि आप लोग को अच्छे से ये समझ में आए। और जो भी स्टूडेंट अगर इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को लेके चलूँगी DGT के वेबसाइट पे, nimionline.admission.in पे। जब आप लोग ये वेबसाइट को क्रोम में जाएंगे और इसको अप्लाई करेंगे तो देख रहे हैं यहाँ पे इस टाइप का पेज खुलेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे CITS ऑनलाइन एडमिशन के लिए। यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये पेज खुलेगी, और पेज खुलने के बाद यहाँ पे ये इस टाइप की पेज खुलेगी। फिर नीचे आते हैं और यहाँ पे देखिए एडवांस डिप्लोमा इन IT कोर्स, इसी के बारे में मैं आप लोग के साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाली थी, एडवांस डिप्लोमा इन IT कोर्स। तो ये कोर्स क्या होता है सबसे पहले हम ये जान लेते हैं थोड़ा सा। ये एक ऐसा कोर्स है जहाँ पर आप लोग को ITI वाले स्टूडेंट होंगे, या उन्होंने अपने ITI एक साल के लिए किया हो या दो ईयर वाला किया हो, यानी एक ईयर वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और जो दो ईयर के किए होंगे यानी टू ईयर वाले वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये एक इंटरनेट से कनेक्टेड है, ये इसमें सारी चीज़ें जो होंगी आप लोग के, ये IT कोर्स नाम से ही पता चल रहा है कि ये इंटरनेट से जुड़ी हुई आप लोग की एक एडवांस डिप्लोमा इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को इंटरनेट से जुड़ी हुई सारी जो नॉलेज होगी यहाँ पे आप लोग को ट्रेनिंग करवाया जाएगा। तो चलिए इसको हम खोलते हैं और इसमें बाकी की क्या क्या प्रोसेस होती है वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको खोला और ये देखिए ये खोला, यहाँ ये देखते हैं इसके बारे में। एडवांस डिप्लोमा वोकेशनल कोर्स इन IT नेटवर्किंग, देख रहे हैं IT नेटवर्किंग, यानी कि यहाँ पे नेटवर्किंग की जितनी भी जानकारी होंगी आप लोग को सबको यहाँ पे ट्रेनिंग करवाया जाएगा। और ये होंगे आपके दो साल के होंगे। और यहाँ पे आप लोग जैसा कि देख रहे हैं, थोड़ा सा मैं आप लोग को यहाँ पे बता दे रही हूँ क्लियरली, देखिए यहाँ पे ये DGT के अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के तहत आती है। ये ऐसे स्टूडेंट के लिए हैं जो ITI कर ली है लेकिन उनको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें कैसे करें। तो ये उन्हीं स्टूडेंट के लिए, आप लोग अपने ITI को क्लियर करने के बाद बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि आप क्या करें क्या नहीं करें, ये आप लोगों के लिए एक बेहद ही अच्छी चीज़ है। यहाँ पे अगर आप लोग कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं भविष्य में आप लोग को नेटवर्किंग से जुड़ी हुई जितनी सारी जॉब होंगी उसमें अगर अप्लाई करते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को इसमें जॉब मिलने वाली है। तो ध्यान रखिएगा, अभी इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, ये इम्पोर्टेंट डेट जो आप लोग देख रहे हैं ये 2019 का है, देख रहे हैं यहाँ पे, ये एडमिशन जो इसका स्टार्ट हुआ था 7/11/2019 में। तो यहाँ पे अभी 2020 की न्यूज़ तो नहीं आई है, बट फिर भी मैंने इस कोर्स के बारे में आप लोग को बताया। तो आप लोग जब तक ये वैकेंसी आए तब तक इस बारे में आप लोग जान लेंगे तो हो सकता है कि आप लोग को इसमें अप्लाई करने में दिक्कतें ना आए। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए कि आप लोग को जो भी कोर्सेज होगी वो NCVT वाले जो होंगे वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, चाहे उनका कोर्स एक साल का होगा या दो साल का होगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों लोग इसमें अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे आप लोग को ट्रेनिंग करवाया जाएगा, यहाँ देख लीजिए IT नेटवर्किंग क्लूड कोर्सेज वेरी मच इसेंशियल, मतलब हर क्षेत्र में आप एवरी इंडस्ट्री में आप इसको यूज कर सकते हैं, अपने इस ट्रेनिंग का यूज करके कहीं पे भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक तरह का डिप्लोमा होगा, एडवांस डिप्लोमा इसको बोलेंगे। नेक्स्ट चलिए ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 ईयर्स ड्यूरेशन, ये 2 साल के होते हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर है और यहाँ पे सेकेंड ईयर है। और इसमें एक बेहतर चीज़ क्या है पता है आप लोग को, यहाँ पे
जब आप लोग ये कोर्स कर लेते हैं तो जो आपका दो इयर्स के बाद, दो इयर्स में जो 5 महीने बचेंगे लास्ट के, सेकेंड ईयर में जो 5 महीने लास्ट के बचेंगे, उसमें आप लोगों को 15,000 रुपये स्टाइपेंड दिए जाएंगे, 15,000 स्टाइपेंड दिए जाएंगे, वो मैं नीचे आप लोगों को बता दूंगी। फिलहाल देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन, कौन से क्वालिफिकेशन होने चाहिए स्टूडेंट के पास, तो यहाँ पे देखिए 10th और 12th दोनों स्टूडेंट यहाँ पे NCVT के सर्टिफिकेट के साथ अप्लाई करेंगे, यानी 10th के होंगे वो भी कर सकते हैं, 12th के होंगे वो भी स्टूडेंट कर सकते हैं, लेकिन साथ में ITI होना चाहिए, और वो ITI स्टूडेंट 1 साल 2 साल दोनों कर सकते हैं, और उनका जो मिनिमम मार्क्स होगा वो कम से कम 60% होना चाहिए। और यहाँ पे एक और चीज़ देख लीजिए, अगर 12 पास हैं कम से कम 60% से तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर यहाँ पे 10th पास किए हुए हैं और अगर तो 3 ईयर्स का ये जो होगा डिप्लोमा आपका वो 3 ईयर का होना चाहिए होगा, वो भी जिसमें आप लोग कम से कम 60%, यानी कि टोटल जितने भी यहाँ पे दिए हुए हैं उसमें कम से कम आपको 60% मार्क्स होने चाहिए, इससे कम नहीं। नीचे एज लिमिट की बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए 17 साल आप लोग को कंप्लीट होना चाहिए, 17 साल से नीचे के स्टूडेंट होंगे वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम 17 साल तो होने चाहिए। नीचे स्टाइपन, जैसा मैंने बताया था कि आप लोग को स्टाइपन मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 15,000 रुपये मिलेंगे पर मंथ, लेकिन कब, जब आप लोग का लास्ट 5 मंथ्स बचेंगे, जब IBM की ट्रेनिंग आपको होगी तो सेकेंड ईयर में लास्ट 5 मंथ्स को आप लोग को 15,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप लोगों ने ये समझा होगा, तो कहीं ना कहीं आप लोग को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि जब आप लोग यहाँ पे ये कोर्स कर लेते हैं तो उसी के साथ साथ में आपको प्लेसमेंट के लिए भी वहाँ पे मतलब अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। जो स्टूडेंट अगर ये कर लिए हैं यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें ये प्रोवाइड कर देगा प्लेसमेंट कि आपको सपोर्ट रहेगा कॉलेज के तरफ से, तो आप लोग चाहें तो उस चीज़ में आप जॉब भी कर सकते हैं उसको ख़त्म होते होते, अपने कोर्स को ख़त्म होते होते, तो ये बहुत ही बेहतर है जैसा कि मुझे लग रहा है। तो मैंने आप लोग को इसलिए यहाँ पे अप्लाई करने को बोला क्योंकि ये आप लोग बहुत ये परेशान हो जाते हैं कि ITI कर रहे हैं क्या करें, अब नहीं करें, जॉब करना है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है माइंड में, बहुत बेचैनी टाइप से, तो आप लोग को इतना टेंशन नहीं लेना है, ये कोर्सेज आप लोग के लिए बेनिफिटेबल है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्पेशल ITI वाले स्टूडेंट के लिए ये बताया था, लेकिन यहाँ पे जैसा कि आप लोग PDF को डाउनलोड करेंगे, सॉरी इस पेज को जब खोलेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो जो स्टूडेंट यहाँ पे चाहे वो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देखिए आप लोग का जो एग्ज़ाम सेंटर होगा, ये यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर का भी दिया हुआ है, टोटल 27 एग्ज़ाम सेंटर होंगे जहाँ पे आप लोग एग्ज़ाम देंगे। आई होप ये चीज़ें आप लोग को बहुत अच्छी लगी होंगी, और आप लोग, मैं सोचती हूँ कि इसमें आप लोग को इंटरेस्ट कहीं ना कहीं होगा, तो देख लीजिए एक बार अप्लाई करके, और करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी आप लोग की मर्ज़ी। मैंने आप लोग के लिए शायद कहीं ना कहीं लगा कि ये सही है, तो इसलिए मैंने ये चीज़ आप लोग को बताया। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, अगली जानकारी के लिए हमारे साथ वीडियो में बने रहें, और बाकी की जो भी आप लोग के लिए बेनिफिट लगेगा कि मैं इस चीज़ को आप लोग को समझा पा रही हूँ, तो बाकी वीडियो भी मैं आप लोग को इस तरह से बना के और फिर बताऊँगी, ताकि आप जितने भी ITI स्टूडेंट हैं वो कभी भी कन्फ्यूज ना करें मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी की इसमें जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी कन्फ्यूज़न हुआ, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।